उदयपुर जिले के बहुचर्चित विधानसभा वल्लभ नगर के कानोड नगरवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग रविवार को पूरी हुई। वल्लभ नगर विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह सत्तावत ने नगर के मॉडल चिकित्सालय भवन का शिलान्यास किया। वहीं विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर विधानसभा क्षेत्र में 42.11 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया, शिलान्यास और उद्घाटन कर आमजन की मांगों को पूरा किया। कानोड की जनता से वादा किया था कि मॉडल चिकित्सालय बनवाने का, लेकिन सरकार से किसी कारण स्वीकृति नहीं आई, तो मैंने मेरा वादा पूरा करते हुए विधायक मदद से 50 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। साथ ही वापस सरकार में आने पर समय में 3 और किस्तों में 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति करूंगी। इस दौरान विधायक ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा और जनता सेना सहित नगरपालिका बोर्ड की मांग थी, जिसमें कड़ेला तालाब का नाम बद्य सरोवर करने की मांग रखी थी, जिसको भी आज पूरा करते हुए वल्लभ नगर विधायक प्रति गजेंद्र सिंह सत्तावत ने बद्र सरोवर नाम से लोकार्पण किया। और हमारे सभी वरिष्ठ मॉडल हॉस्पिटल का वादा मेरा था, राज्य सरकार के किसी कारण में स्वीकृति नहीं आ सकी, तो मैंने कहा था कि नहीं भी आएगी तो मैं इसे करवाऊंगी। और मैंने 2023 के विधायक फंड में से सीधे 50 लाख रुपए देके उसे चालू करवा रही हूँ, और भविष्य में वापस आई तो 50-50 लाख देके 3 बार में इसे पूरे 2 करोड़ का कंप्लीट करा। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जनता सेना और सभी पार्षदों की जो मीटिंग थी उसमें उनकी एक मांग थी कि जो हमारा कौन सा सागर है, तालाब का नाम ब्रह्म सरोवर रखा जाए, सर्वसम्मति से आज हम वहाँ पे भी जाकर उसका वो जो बोर्ड है वो आपको बता रहे हैं कि उसका नाम सभी पार्टियों का, हमने कोई राजनीति नहीं करते हुए कानोड की मांग थी तो उसको ब्रह्म सरोवर हमने नाम दे दिया है। साथ ही कुछ लोगों ने कहा था कि कानोड में कोई विकास नहीं हुआ, तो आज 5 महीने बिछी वो कांग्रेस पार्टी की देन है। कोई कहता है कि केंद्र सरकार ने बिछाई तो इसमें 60-40 का केंद्र का रेशियो था, 60% राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने दिए, और जो रोड टूट के आ रही उसे हमें बनाना हमें पता है, परंतु जब तक हम नींव खोद के उस पाइप को फिट नहीं करेंगे तो उसके ऊपर हम रोड कैसे बनाएंगे, पुनः टूटेगी, डबल पैसा लगेगा। तो कानोड वासियों से मैं निवेदन करती हूँ थोड़ा सब्र खाएं, क्योंकि चाहे घर में टावर हो चाहे घर की नींव डले, उसके लिए 9 महीने का समय हमें दिया जाता है, जो 9 महीने का समय नहीं देके आप राजनीति कर रहे हो। हम राजनीति नहीं कर रहे, हम पूरे क्षेत्र के विकास को साथ लेके चल रहे हैं। कानोड ITI का हम लोग शिलान्यास कर चुके हैं, साथ ही आज मॉडल हॉस्पिटल का भी शिलान्यास हो चुका है, और आने वाले समय में भी कानोड की जो मांगे हैं और जो काम है चेयरमैन मैडम बराबर सारे निकालती जा रही हैं। वार्ड नंबर 15 और वार्ड नंबर 5 का काम भी निकल चुका है विधायक फंड से, और जो मुस्लिम समाज के और बोरा समाज के कब्रिस्तान की और जो बात है वो भी करीब 15 से 20 लाख के काम विधायक फंड से पिछले 7 दिनों पहले निकल चुके हैं, वो काम भी कानोड में चालू हो चुके हैं। और भी कोई काम है और कुछ बाकी रह गया है तो मैं विश्वास दिलाती हूँ सभी को, मैं या कोई नेता या आप जनता बन के नहीं आए हो, आप और हम परिवार बनकर क्षेत्र का विकास कराएंगे। और जहाँ तक कानोड कहता है मैंने कुछ नहीं किया, तो मैं कहना चाहूँगी चाहे बिंडर हो चाहे वल्लभ नगर हो चाहे कानोड हो चाहे कुबार हो कुराबड़ हो, आप सब वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र के परिवार हो। और मैंने बिंडर वाला जो हमारा जल जीवन मिशन के तहत काम था उसका मैंने शिलान्यास जब तक नहीं किया जब तक कानोड की स्वीकृति नहीं आ गई थी, कानोड की वित्तीय स्वीकृति आने के बाद मैंने दोनों